नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कोई व्यक्ति पूरी तरह से घमंड से भरा हुआ है, आपसे बात करने के लिए राजी नहीं है। अपने घमंड में वो इतना चूर हो चुका है कि वो सामने वाले व्यक्ति की कदर भी नहीं करता है, उसकी इज्जत भी नहीं करता है और हमेशा उसको बेइज्जत करता रहता है, बहुत ज्यादा उसको लज्जित करता है। ऐसे में आपकी परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि वो व्यक्ति आपके लिए खास है पर वो व्यक्ति अब घमंड से भर चुका है। अब उस व्यक्ति का घमंड कैसे चूर किया जाए, उसको कैसे दूर किया जा सके, आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति को कैसे सबक सिखाया जा सके, आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति को पूर्णतः अपने वश में कर सके, तो आप एक बहुत ही सफल उपाय करने जा रहे हैं जो खास तौर पर गुरु मां सरोदेवी जी आपके लिए लेकर आए हैं। ये विशेष उपाय उस व्यक्ति के घमंड को हमेशा के लिए चूर कर देगा और उस व्यक्ति को आपके वश में कर देगा। दोस्तों, इतना सफल उपाय है कि कई लोग इससे अपनी जिंदगी को सवार चुके हैं। अगर उनका पार्टनर घमंड में चूर हो चुका है, उनका कोई खास दोस्त है जो उनके बहुत करीब है पर घमंड के कारण उनके रिश्तों में दरारें पैदा हो चुकी हैं, तो वो इन सभी चीजों को खत्म कर चुके हैं और उस व्यक्ति को अपने जीवन में लेकर आ चुके हैं। अगर आप भी ये उपाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं आज के इस विशेष उपाय की पूर्ण विधि के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपने आम की लकड़ी का प्रयोग करना है। एक सूखी आम की लकड़ी ले लें, ज्यादा बड़ी लकड़ी नहीं चाहिए, छोटी सी लकड़ी हो, अगर आपके हाथ के बराबर की लकड़ी है तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। इस लकड़ी के ऊपर आपने लाल कलर की मौली धागा बांध लेना है और नारंगी सिंदूर जो है इसके ऊपर लगाना है। ये करने के बाद आपने उस व्यक्ति का नाम पुकारना है 3 बार। नाम पुकारने के बाद इस लकड़ी के 2 टुकड़े कर देने हैं। ये करने के बाद आपने एक विशेष मंत्र का जाप करना है और इस लकड़ी को आपने आग के हवाले कर देना है। बस इतना सा कार्य आपको करने की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे ये लकड़ी जलती रहेगी, वैसे वैसे उस व्यक्ति का घमंड भी चूर होता रहेगा। जल्द ही आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, उस व्यक्ति का घमंड दूर होगा और वो जल्द ही आपके वश में आ जाएगा और ऐसा वश में आएगा कि वो दोबारा कभी इस वशीकरण से छुटकारा नहीं पा सकेगा और आपके जीवन में कभी भी वो आपको बेइज्जत करने की कोशिश नहीं करेगा। हमेशा आपकी इज्जत करेगा, आपसे निम्रता से बात करेगा, कभी भी आपको परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा। उस व्यक्ति का घमंड हमेशा के लिए चूर हो जाएगा। तो अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंस चुके हैं या उसके संपर्क में हैं जो बहुत ज्यादा घमंडी है, उस व्यक्ति का घमंड तोड़ना चाहते हैं, तो बिना देर करते हुए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप गुरु मां सरोदेवी जी से संपर्क कर सकते हैं और इस उपाय के बारे में जान सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।